गरगा वेदी क्या होता है कंक्लूजन। अरे मूवी के पहले जो आता है ट्रेलर, अरे कैंसर का एड में होता है ना। अच्छा मुकेश, अरे चेतावनी। हाय गाइस, वेलकम टू दीवा व्लॉग्स। मैं हूँ वरुण। मैं हूँ जी, और आप देख रहे हैं दीवा व्लॉग्स। हम बन गए दीवा व्लॉग्स। तो अभी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में नदिया पड़ाव रिजॉर्ट। नदिया पड़ाव रिजॉर्ट आप देख सकते हैं। एंड हैप्पी वैलेंटाइन्स टू ऑल। हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप देख सकते हैं ये है हमारा रिजॉर्ट जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं अभी। और अभी रात का टाइम है, बाकी के लाइट जल गए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। इट इज लुकिंग, हो सकता है कि जो हमारा कैमरा उतना कैप्चर ना कर पा रहा हो, बट इट इज सीनिक, इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। एंड आज है वैलेंटाइंस की नाइट, और हम वैलेंटाइंस के मौके पर ही यहाँ पर आए थे, यहाँ पर व्लॉग करने के लिए और वैलेंटाइंस को एंजॉय करने के लिए। तो अभी रिजॉर्ट में ही एक फंक्शन हो रहा है और कुछ एक्टिविटीज प्लान किया उन्होंने, उन्होंने कुछ लाइव म्यूजिक हो रहा है, गिटार। तो आई थिंक आप गा भी सकते हो अगर आप चाहो, मतलब रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कि कैसा होता है, क्या क्या देखते हैं, क्या शायद मैं आपको अगर यहाँ से दिखा पाऊँ, अगर अगर आपको आवाज भी आ रही हो और सुन सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। आप देख रहे हैं वहाँ पर बॉनफायर हो रहा है, हमको वहीं पर जाना है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो आज जो इवनिंग है वो जैसे ही स्पेंड होगी, जैसे जैसे स्पेंड होगी आगे बढ़ेगी, दिखाते हैं आपको कैसा रहा हमारा वैलेंटाइन, कैसे सेलिब्रेट और कर। हम लोग दिल्ली से हैं और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद हमने टाइम निकाला, फैमिली के लिए टाइम निकाल ही लेना चाहिए कभी कभी, प्लान करना चाहिए। हाँ आप लोग भी बताओ कैसा रहा आपका वैलेंटाइंस, और जरूर बताना क्या क्या गिफ्ट मिले, क्या क्या कितनी पॉकेट उड़ाई किसकी किसकी। ये खास तौर पे फीमेल्स के लिए है, किसने किसने क्या क्या लूटा, किसने किसने क्या क्या लूटा बताओ। और जेंट्स मुझे बता सकते हैं चाहे तो, ठीक है। चलिए एनीवेज मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। Wow, what a beautiful view. मुझे प्यार पे मैं लुट गया, मन के दिखा कहा मैं कहीं का ना रहा, ये मेरा पागल हो गया। बैटमैन लग रहा हूँ मैं परछाई में, जो तेरी देखी शराबी है जमी से मैं तौबा, मगर जिसे नजर मिल गया दर्द जिगर, सुन जरा ओ बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, गुलाबी आंखें। क्या देखने को बाकी है जो आपसे दिल लगा कर देख लिया। मेरे सनम मेरे सनम तेरी कसम छोड़ेंगे अब ना यहाँ, ये जिंदगी गुजरेगी अब तुम्हारे हो पहचाने ना, ये हुआ किसे है हम ना।
तो यहाँ पर जिम कॉर्बेट में कितनी ठंड है अब मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ नहीं आया, धुआं आया ही नहीं। अब करो ऊपर करो मुंह चिमनी की तरह। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बहुत ठंड है। अब दोबारा करो। हाँ, ये पहला इंसान आपने देखा होगा जो दिल्ली की ठंड से निकल के जिम कॉर्बेट की ठंड में आके खुश हो रहा है। मैं बता रही हूँ, सुनो, लेकिन दिल्ली से जो है कंपैरिजन में कम है ठंड। अगर आप बात करो, दिन में तो गर्मी थी, तो आई वाज थिंकिंग कि ऐसे ही लाद के लाए हैं कपड़े इतने सारे, लेकिन अभी ठंड है, लेकिन ऐसी नहीं है कि एंजॉय नहीं कर पाओ। बहुत अच्छी है, मजा आ रहा है, ठंड है, म्यूजिक है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, जब पता नहीं मुझे कितने लोगों ने नोटिस किया है, बोले जा रही हूँ मैं कि मतलब आप जब बाहर आते हो, घूमने आते हो कहीं, दिल्ली जैसे बहुत ही क्राउडेड सिटी है, सबको पता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, आपको आसमान ही नहीं दिखता, खुला आसमान, मतलब तरस जाता, मैं तो तरस जाती हूँ फ्रेंकली स्पीकिंग, कि भाई होता ना एकदम तारे दिख रहे हैं। चलिए आज अपने व्यूअर्स को मैं तारे दिखाता हूँ, अगर दिखा पाया तो। यार हमारे कैमरे में शायद वो नहीं आ पाएगा उस तरीके से, लेकिन फुल स्काई, एकदम क्लियर स्काई, वो बहुत मुश्किल से दिखता है। चॉप हो गई मेरी सेल्फी स्टिक, अंदर रह गई। हम कुछ ना कुछ रूम में भूल ही जाते हैं, हमारा ये हो रहा है कि हम वहां से आए उठ के, हम बार बार रूम में जाए जा रहे हैं, कभी डॉल का पानी रह जाता है, कभी चिप्स ले जाते हैं, फिर जाते हैं। अब मैं इतना थक चुकी हूँ चल चल के, कि इस आदमी ने मुझे पागल कर दिया है, एक बार में सामान लाया नहीं जाता, मेरे को पग लगे। यार सामान लाया नहीं जाता, एक बात बताओ, एक, तो मैंने कहा एक था कि कमजोर, एक कमजोर कमजोर एक एक कमजोर एक कमजोर शादीशुदा मर्द अपने कंधे पर कितनी जिम्मेदारियां चुकू चुकनी पैंदियां ना भाई, चुकनी पैंदियां ना, कितने लोग की ना दसो, चुकनी पैंदियां ना भाई जिम्मेदारियां, कौन चुकू, जब बच्चा मैं चुकू जिम्मेदारियां, तो तुसी चुको। वाह वाह, ये किसी बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग हो सकता था। नारी ना, ये तो मेरा ही ओरिजिनल।
यहाँ से इसकी एंट्रेंस है इधर से, और यहाँ दिन में अगर मैं आपको दिखा पाऊँगा कल। लेकिन अगर खुद खाना खाना हो ना दोस्तों तो यहाँ मत खाना, अच्छा खाना नहीं है, मैं बता रही हूँ सच, सच्चाई बताती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। बिल्कुल अच्छा खाना नहीं है। आज हमने मंगाया था रारा, पता नहीं क्या था, पनीर था कुछ समथिंग, और उसका पता नहीं उनको उन्होंने कुछ मंचूरियन ग्रेवी में डिप करके हमें दे दिया, मतलब उसे मैं अंदर डाल दी जबरदस्ती, पर वो बाहर खाना चाह रहा था उबल उबल के। तो प्लीज़ यहाँ मत खाओ, एज यू आर स्टेइंग हियर इट्स अ गुड प्रॉपर्टी, नाइस प्रॉपर्टी, बट अरे अमेजिंग प्रॉपर्टी, अमेजिंग प्रॉपर्टी, लवली प्रॉपर्टी, यू विल एंजॉय द व्यू, सो मच ग्रीनरी हेयर, बट जस्ट डोंट ईट घर का वेदी, घर का वेदी क्या होता है, होता है ना अभी भी कंक्लूजन, अरे मूवी के पहले तो आता है ट्रेलर, अरे कैंसर का एड में होता है ना, अच्छा मुकेश, अरे चेतावनी चेतावनी, डोंट ईट देयर, मतलब माइट बी योर टेस्ट, बट अगर इसके अकॉर्डिंग है, बट डी में पंजाबी है ना, पंजाबी तो भाई मेरे, अबे बुराई तो धीरे करो, बोल रहे हैं पंजाबी इतना लाउड होते थे, सो लाउड तुम गई गई, नहीं 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 तुम रेस्टोरेंट में खड़ी होके खाने की बुराई कर रही हो, मिलो इस औरत से, नहीं कर रही मैं उनको, क्या पता क्या कह रही हूं मैं, धीरे बोलो ना, अच्छा लाउड हूं क्या मैं, बहुत पंजाबी हो ना तुम, चलो कोई नहीं की फर्क पड़ता है, पंजाबी पंजाबी इन द हाउस, ठीक है गाइस, तो ये है रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट की जो सामने मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा व्यू बेबी क्या दिखा रहे हो, हाँ मैं वही सोच रहा हूँ कि जूम आउट हो रखा है, तो ये जो व्यू मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सामने इसके स्विमिंग पूल है और उसके उस तरफ नदी है, तो बहुत अमेजिंग है ये, ऐसा नहीं है हम सिर्फ एक्चुअली बहुत अमेजिंग है, सुबह आपको मॉर्निंग में हम दिखाएंगे पूरा व्यू, जो कम्प्लीट व्यू है इसके, आप उस साइड जाओ पूल है, पूल से आपको पहाड़ दिख सकते हैं, एक बहुत ही सीनिक सा व्यू है, आप उसकी तरफ मतलब दूसरी तरफ जाओगे और दूर जाओगे तो एक एक्टिविटी एरिया है वो भी दिखाएंगे, कैरम है वहाँ पे, टेनिस है, टेबल टेनिस है, गेम प्ले देयर, उसके उधर जाओगे तो रिवर है, एंजॉय करो व्यू करो, और थोड़ा उसको और उधर जाओगे तो अपने घर पहुँच जाओगे, मुद्दा ये है कि बहुत अमेजिंग है, बस खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे लगता है बनाना अच्छा नहीं है, कब्ज हो जाएगी, तो खाना अवॉइड करना, लेकिन हाँ ठीक है, अगर जो शेफ है खाने बनाने वाले के हाथ में बात होती है, बाकी बहुत बाकी कुछ बहुत अच्छा है, आओ मेरे व्यूअर्स, मैं दिखा रहा हूँ, प्लीज आओ खिला, ये खिला खिला के मार देगी, इसे खिलाने का इतना शौक है, बनाने का इतना शौक है, जो भी बना रहा है, जो अगर अगर नदिया पड़ने वाले, ये आप देख रहे हो ना व्लॉग, प्लीज अपना शेफ सुधार लो, बता रही हूँ मैं।